जिंदाबाद जिंदाबाद हाँ जी, क्या नाम है आपका और आज किस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मेरा नाम सुरेश शर्मा, सर्कल सेक्रेटरी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। आज ये धरना लगातार 5 दिन से चला हुआ है। जो कार्यकारी अभियंता है यहाँ के और SDO शहरी नंबर 1 है, उनकी जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ ये धरना चला हुआ है। क्या मांगे आपकी? हमने एक मांग पत्र 5/11 को SDO और एक्शन को दोनों को दिया था, जिसमें जो तकनीकी या टेक्निकल कर्मचारी ऑफिस में बैठे हैं उनको फील्ड में लगाया जाए। फील्ड में जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है और वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव में जो संख्या कम है कर्मचारियों की, उनकी वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं और कोई न कोई आए दिन दुर्घटना होती रहती है, परंतु वो लगे पगे वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। दूसरी मांग है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते, तनख्वाह महकमे से ले रहे हैं, काम प्राइवेट करते हैं, उनको उनकी जगह जो जगह बनती है उसके ऊपर लगाया जाए। 2018 के अंदर रोडवेज स्ट्राइक के अंदर कस्टडी पीरियड था, कुछ कर्मचारियों की छुट्टी आज तक पास नहीं की गई, वो छुट्टी पास करवाई जाए। हमारी 4-5 और छोटी छोटी मांगे हैं। जो बिजली का अपना ये ऑफिस है, हर दिन चोरी होती रहती है, CCTV कैमरे लगवाने की बात है, और जो सबर्वन नंबर 1 दफ्तर है वहाँ पर बिजली घर ज़्यादा आदमी कम, लेकिन फिर भी उनसे ट्रांसफर नंबर 1 में करी जा रही है। अगर मांगे ना मानी गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? कल एक राष्ट्रीय स्तर की 26 तारीख की हमारी हड़ताल है, उसके बाद 27 को गेट मीटिंग करके आगे मीटिंग करके जो भी फैसला लिया जाएगा, चाहे या लगातार धरना या घेराव या प्रदर्शन करते हुए DC के माध्यम से ज्ञापन दे के वो अगली कार्रवाई करेंगे। एक बार बोल दो। मैं प्रकाश शास्त्री हूँ, CITU C2 है, जो मजदूरों का संगठन उसका जिला का कोषाध्यक्ष हूँ। बिजली के जो यहाँ कर्मचारी हैं वो कोई बड़े मांग मुद्दे नहीं हैं, छोटी छोटी समस्या हैं ये, लेकिन ये अधिकारी बड़ी अठधर्मिता अपनाए हुए हैं, अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। जिसकी जो ड्यूटी बनती है उनको वहाँ लगाना चाहिए। कर्मचारियों का EF या ESI कटा हुआ है, वो खातों में जमा नहीं हो रहा है, और बहुत सी छोटी छोटी दिक्कत हैं, इनको लेकर के बातचीत करके सुलटाना चाहिए, लेकिन ये अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। और फील्ड में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी चाहिए वो लगानी चाहिए, और जो अपने लगे बग्गे हैं कोई काम नहीं करते, महकमे का तनख्वाह विभाग से लेते हैं, सरकार को चुन्ना लगा रहे हैं, इसमें इन अधिकारियों की मिलीभगत है। तो हम इन बातों का विरोध कर रहे हैं कि जो भी नियमानुसार विभाग के नॉर्म है उनके अनुसार कार्रवाई करे और कर्मचारियों का डेलीगेशन बुला करके मांगों का समाधान करे, वरना सारे महकमों के कर्मचारी इनके समर्थन में आंदोलन को तेज करेंगे और DC SDM उनको भी अपनी मांगों के ज्ञापन देकर के शिकायत करेंगे इन अधिकारियों को।